हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते पर्यटक और लोगों को अच्छी खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बर्फबारी के कारण रोहतांग में अटल सुरंग के साउथ पोर्टल के पास फंसे 300 सैलानियों को पुलिस ने रेस्क्यू किया है। इस दौरान कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में हिमपात का दौर शुरू हो गया है। लोगों को बर्फबारी का लंबे अरसे से था इंतजार, लेकिन हिमपात ने लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। कुल्लू के अलावा मनाली में भी देर रात बर्फबारी हुई और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीती रात प्रदेश में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके प्रभाव से 31 जनवरी और 1 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों जैसे कि चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला शहर सहित आसपास के क्षेत्र कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और सिरमौर में भारी बर्फ बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मैदानी व निचले क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्व अनुमान भी लगाया गया और इसके अलावा कई मैदानी भागों में बिजली चमकने का भी अलर्ट जारी हुआ है। देखिए, आगामी 5-6 दिनों की बात करें तो आज लेट नाइट में 30 तारीख से एक WDV मतलब प्रदेश को अप्रोच कर रहा है और इसके इफेक्ट से पूरे प्रदेश में मतलब अधिकांश स्थानों में बारिश के साथ साथ जो हमारे मिडिल के डिस्ट्रिक्ट हैं, हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। और देखिए, ये जो एक्टिविटी आज 30 तारीख से शुरू होगी लेट नाइट से और इसके चलते देखिए 31 तारीख कल और फिर 1 फरवरी को जो प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, शिमला के जो हाई रीजेस हैं, यहाँ मॉडरेट टू हैवी स्पेल होने की संभावना है स्नोफॉल की और इसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और जैसे ही एक्टिविटी शुरू होगी आज 30 तारीख से लेट नाइट से तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, बिलासपुर है, हमीरपुर, शिमला, सोलन, यहाँ पे कुछ एक स्थानों में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना रहेगी। और फिर ये जो स्पेल है ये देखिए आज नाइट से शुरू होगा और 2 तारीख की सुबह तक जारी रहने की संभावना है। अगली खबर सिरोही से है, जहां माउंट आबू में सर्दी का असर बरकरार है। इस बार माउंट आबू का तापमान पिछले 25 दिनों से माइनस में रहने के कारण पिछले सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। माउंट आबू के पर्यटन स्थल गुरु शिखर में तापमान अभी भी 0 डिग्री पर दर्ज किया गया। फिलहाल यहां मौसम साफ है। माउंट आबू में सैलानी की भी बूम देखी जा सकती है। माउंट आबू में सैकड़ों की तादाद में सैलानी घूमने आ रहे हैं और जिससे कि नगर पालिका की आय भी बढ़ती जा रही है और व्यापारियों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। तो गुरु शिखर में तापमान 0 डिग्री है। हालांकि मौसम साफ है, बर्फबारी नहीं है, लेकिन तापमान 0 डिग्री है, जिस वजह से पर्यटन के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण है। सैलानियों में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। पर्यटन की नज़र से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सैलानियों के आने का जो ताता है वो बढ़ता चला जा रहा है। जितने ज़्यादा पर्यटन आएंगे इकॉनमी भी उतने ही ज़्यादा बूस्ट होगी। और दिल्ली NCR में आज भी घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है। घने कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। ट्रेनों और हवाई यातायात भी बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तापमान में भी गिरावट से ठंड बढ़ गई है। उधर मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज 2 दिन के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है।